नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो होगी नई दिल्ली से कटिहार जंक्शन बिहार तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ये वीडियो है वो है नई दिल्ली से कटिहार बिहार तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से कटिहार तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उस सभी ट्रेनों के नाम, उस ट्रेन का नंबर क्या है और जो ट्रेन है कौन से दिन नई दिल्ली से कौन से स्टेशन से कितने बजे चलती है और कटिहार में कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने बजे पहुंचती है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उस ट्रेन के कोच कौन से हैं और वो कितनी जो है उसका ट्रेवल टाइम कितना है और डिस्टेंस कवर कितना करती है और उसकी एवरेज स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तकरीबन इस रूट पे 19 ट्रेनें चलती हैं जिसमें राजधानी मेल एक्सप्रेस, एसी सुपरफास्ट, संपर्क क्रांति, 3 सुपरफास्ट और एक हमसफर ट्रेन चलती है। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है इस रूट पे वो है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस जो कि 17 घंटे 25 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और सबसे स्लोएस्ट है अवध असम एक्सप्रेस जो कि 29 घंटे 38 मिनट में दिल्ली से कटिहार की दूरी जो है कवर करती है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके बात कर लेते हैं सभी ट्रेनों की जानकारी के बारे में। तो सबसे पहली ट्रेन जो कि दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करती है वो है भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 15623। ये जो ट्रेन है हर बुधवार को सुबह 4:55 पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 29 घंटे 25 मिनट बाद अगले दिन कटिहार में सुबह 10:20 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं और 1328 किलोमीटर का पुरानी दिल्ली स्टेशन से कटिहार तक का डिस्टेंस कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 45 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ये जो ट्रेन है LHB कोचेस वाली ट्रेन है और पहली ट्रेन है जो कि दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करती है। दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करने वाली जो अगली ट्रेन है इस रूट पे चलती है वो है अवध असम एक्सप्रेस जो कि सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है 19 ट्रेनों में से जिसका ट्रेन नंबर है 15910। अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन जो है पुरानी दिल्ली स्टेशन से हर रोज़ सुबह 7:22 पे 16 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 29 घंटे 38 मिनट बाद ये ट्रेन जो है कटिहार जंक्शन में दोपहर के 3 अगले दिन 5-6 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 33 स्टेशन हैं, 1333 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है और एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 45 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन के टाइप के बारे में बात करें तो मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है तो आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा और इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोच वाली ट्रेन है बट ये है कि ये सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है जो कि दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करती है। दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करने वाली जो अगली ट्रेन है इस रूट पे है वो है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 15484। ये जो ट्रेन है पुरानी दिल्ली स्टेशन से हर रोज़ सुबह 7:35 पे 11 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25:50 बाद कटिहार जंक्शन में अगले दिन सुबह 9:25 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है। इसके तकरीबन 40 स्टेशन हैं और 1283 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 50 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है तो आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा और इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और ये डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के अगर कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस वाली ट्रेन है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके अलावा एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। इस फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते। तो इसके बाद जो अगली ट्रेन जो कि नई दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करती है वो है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 12506। ये जो ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली से हर रोज़ सुबह 7:40 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21 घंटे बाद ये ट्रेन जो है सुबह 4:40 पे कटिहार जंक्शन में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके रुकती है। इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं, 1272 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 61 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वैसे नई दिल्ली को गुवाहाटी से कनेक्ट करती है, कामाख्या तक कनेक्ट करती है बट इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आनंद विहार टर्मिनल से कटिहार तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में।
तो इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है जो कि नई दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करती है, वो है सीमांचल एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12488। सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। सीमांचल एक्सप्रेस हर रोज आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 8:10 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21:05 बाद सुबह 5:15 पे कटिहार जंक्शन बिहार में पहुंचती है। इसके तकरीबन 15 स्टेशन हैं, 1272 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 60 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है, इसमें पेंट्री कार का कोच नहीं शामिल है। इसके बाद नई दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करने वाली जो अगली ट्रेन है वो है राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका पूरा नाम है न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि वायर रंगापारा नॉर्थ होकर चलती है। नई दिल्ली से हर इतवार और गुरुवार यानी कि थर्सडे को सुबह 11:25 पर 16 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21:05 बाद कटिहार जंक्शन में सुबह 8:30 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं, 1325 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 63 किलोमीटर पर आवर। इसका ट्रेन नंबर है 20506। राजधानी टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के कोच हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी इसमें शामिल है। राजधानी में पेंट्री कार से आपको जो है खाना प्रोवाइड किया जाता है और खाने के चार्जेस जो हैं जनरली इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो भी राजधानी ट्रेन है, जिसका नाम है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि वाया मोरनहाट होकर चलती है। ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 20504। नई दिल्ली से ये ट्रेन जो है हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को सुबह 11:25 पे 16 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21:05 बाद अगले दिन सुबह 8:30 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंच जाती है और इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं, 1374 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 65 किलोमीटर पर आवर। राजधानी टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है जो कि नई दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करती है वो है न्यू दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12524। हर इतवार और बुधवार को नई दिल्ली से दोपहर के 3:05 पे 12 या 13 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 24:10 बाद दोपहर के 3:15 पे अगले दिन ये एक नंबर प्लेटफॉर्म पे कटिहार जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं, 1316 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच इसमें नहीं शामिल होता है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है उदयपुर सिटी न्यू जलपाईगुड़ी वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 19609। ये जो ट्रेन है हर शनिवार को दोपहर के 3:05 पे 13 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 24:10 बाद कटिहार जंक्शन में अगले दिन दोपहर के 3:15 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है। इसके तकरीबन 14 स्टेशन है, 1312 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 54 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद नई दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करने वाली जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12424। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से हर रोज शाम के 4:20 पे 16 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 17:25 बाद अगले दिन सुबह 9:25 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म पे कटिहार जंक्शन में पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं, 1284 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे है 74 किलोमीटर पर आवर। राजधानी टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, 19 ट्रेनों में से सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, क्योंकि मात्र 17:25 में यह नई दिल्ली को कटिहार से जो है कनेक्ट करती है। कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें 3 तरह के कोचेस हैं। फर्स्ट एसी का कोच है, सेकंड एसी का कोच है और थर्ड एसी का कोच है। फर्स्ट और सेकंड में डायनेमिक प्राइसिंग लागू होती है, फर्स्ट एसी में नहीं लागू होती है। और इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है।
जनरली जो कैटरिंग चार्जेस होते हैं वो राजधानी में आपके टिकट के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करना होता, राजधानी में एक्स्ट्रा नहीं पे करना होता अगर चार्जेस इंक्लूडेड है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है जो कि नई दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करती है, वो है चंपारण हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15706। ये हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम को 4:35 पे 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25 घंटे 45 मिनट बाद कटिहार जंक्शन बिहार में शाम के 6:20 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं, 1420 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। हम सफर टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग के कोच हैं। थर्ड एसी के तकरीबन 10 कोच हैं, एक पेंट्री कार का कोच है, स्लीपर क्लास के 9 कोचेस हैं और एक जो है सेकंड सीटिंग का कोच भी है। इसके बाद जो अगली ट्रेन जो कि नई दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करती है वो है अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। इसका ट्रेन नंबर है 22412। आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली से हर इतवार और गुरुवार यानी कि थर्सडे को शाम को 4:45 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और अगले दिन दोपहर के 2:05 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे कटिहार जंक्शन में पहुंचती है। 21:20 पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं, 1277 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 60 किलोमीटर पर आवर। एसी सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के कोच हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे जो कि नई दिल्ली से कटिहार तक चलती है, ये कटिहार में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। इसका ट्रेन नंबर है 15708 और इसका ट्रेन का नाम है आम्रपाली एक्सप्रेस। आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन जो है पुरानी दिल्ली स्टेशन से हर रोज़ शाम के 5:35 पे 11 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 37 स्टेशन हैं, 28:35 बाद कटिहार में अगले दिन रात के 10:10 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। 1358 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 48 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। डेली ट्रेन है, सेकंड एसी, थर्ड एसी, एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं, एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है राजधानी टाइप की ट्रेन, जिसका नाम है आनंद विहार टर्मिनल अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 20502। हर बुधवार को आनंद विहार टर्मिनल से ये ट्रेन जो है शाम के 7:50 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 17:45 बाद कटिहार जंक्शन में दोपहर के 1:35 पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं, 1272 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के कोच है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है अजमेर किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 15716। ये जो ट्रेन है पुरानी दिल्ली स्टेशन से हर सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को रात को 8:35 पे 10 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 27:35 बाद रात के 12:10 पे कटिहार जंक्शन में ये 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं, 1281 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 46 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं, ICF कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन जो कि नई दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करती है वो है न्यू दिल्ली गुवाहाटी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से हर इतवार और बुधवार को रात के 11:45 पे 13 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 20 घंटे बाद ये ट्रेन जो है शाम के 7:45 पे अगले दिन कटिहार जंक्शन में 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है। इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं और 1284 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 64 किलोमीटर पर आवर। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन जो कि दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करती है वो है आनंद विहार टर्मिनल कामाख्या वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15622। ये जो ट्रेन है हर शुक्रवार को आनंद विहार टर्मिनल से रात के 11:45 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है
और 26 घंटे 5 मिनट बाद कटिहार जंक्शन में इतवार को रात के 1:50 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके रुकती है कटिहार में। और इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं। हर शुक्रवार को ये ट्रेन जो है चलती है और इसका ट्रेन नंबर है 1243 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 48 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है तो आपकी टिकट में सुपर फास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा और इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच नहीं शामिल होता और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन है जो कि नई दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करती है उसका नाम है नई दिल्ली सिलचर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 14038। हर गुरुवार को ये ट्रेन जो है रात के 11:45 पे 13 नंबर प्लेटफॉर्म से नई दिल्ली से रवाना होती है और 20 घंटे बाद ये ट्रेन जो है कटिहार जंक्शन में रात के 7:45 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म पे अगले दिन पहुंचती है। इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं। 1284 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 64 किलोमीटर पर आवर। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद नई दिल्ली को कटिहार से कनेक्ट करने वाली जो आखिरी ट्रेन है वो है त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 14620। ये जो ट्रेन है हर सोमवार को रात को 11:45 पे 15 नंबर प्लेटफॉर्म से नई दिल्ली से रवाना होती है और 20 घंटे बाद कटिहार जंक्शन में शाम के 7:45 पे ये ट्रेन जो है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के तकरीबन 7 स्टेशन हैं और 1284 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 64 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस वाली ट्रेन है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। तो दोस्तों इसी के साथ नई दिल्ली से कटिहार तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे से कोई डिटेल मिस हो गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस अगली वीडियो में डिटेल को ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।